इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक, पांचों साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकट करेंगे। विधानसभा तो ये लोग दो तीन दिन चलाना चाहते थे, हम लोगों के कहने के बाद ये पूरी बजट सत्र जो है परंपरागत तरीके से चल रही है, ये हम लोगों की वजह से है। और जितने जनता के लिए इस बार सवाल पूछे गए, शायद ही और सत्रों में पूछे गए होंगे, हम लोगों को चिंता है जनता की, उनकी भावनाओं की। लेकिन नीतीश कुमार जी को थोड़ी सी भी शर्म, लहजा, अब कुछ नहीं बचा हुआ है।